मध्य प्रदेश में लोकसभा की 21 सीटों पर मतदान निपटते ही चुनाव आयोग प्रत्याशियों के खर्च के हिसाब किताब फाइनल कर रहा है। आयोग ने भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर को फिर से नोटिस थमाकर हिसाब मांगा है। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली इस सीट से खड़े इन प्रत्याशियों ने खर्च का जो ब्यौरा दिया था, आयोग उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए दोनों को फिर से नोटिस भेजा गया है। रिटर्निंग अधिकारी और भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने यह नोटिस जारी किया है।